मुरादाबाद में सोशल मीडिया पर बेहद डरावना एक वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक दर्जन से ज्यादा लोग कुछ युवकों को जमीन पर गिराकर ईंट पत्थर और पेल्टों से मारते हुए साफ नजर आ रहे हैं। लगभग 2 मिनट का ये वीडियो मुरादाबाद के जिला अस्पताल परिसर का बताया जा रहा है। आरोपियों को पुलिस का बिल्कुल भी खौफ नहीं है, क्योंकि घटना स्थल से मात्र 50 मीटर सीओ सिविल लाइन थाना होने के बावजूद इस तरह की घटना को अंजाम दिया जा रहा है। इस वीडियो में कुछ लोग सरकारी एम्बुलेंस में बैठी महिलाओं पर भी हमला करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उक्त वायरल वीडियो देर रात का बताया जा रहा है। जब इस संबंध में पुलिस के अधिकारियों से बात की गई, तो उन्होंने बताया कि 2 पक्षों का मामला था, इसमें से कुछ लोग घायल अस्पताल में भी भर्ती हैं। ये 2 पक्षों के बीच में शराब पीने को लेकर झगड़ा हुआ था, जिसके मामले में जिला अस्पताल में 2 पक्षों के बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ। लड़ाई झगड़े में कुछ लोगों को चोट आई है, जिनको जिला अस्पताल में पुलिस द्वारा भर्ती कराया गया है। इस संबंध में पुलिस को थाना सिविल लाइन्स को तहरीर प्राप्त हुई है, जिसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया है और साक्ष्यों और जो सबूत हैं उसके आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करके विधिक निस्तारण किया जाएगा। सर, जिला अस्पताल की सरकार एसवाट एम्बुलेंस में भी इनके द्वारा तोड़फोड़ की गई है, क्या उस घटना को भी इसमें अंकित किया जाएगा? इस तरीके के अगर तोड़ लड़ाई झगड़े के दौरान अगर इस तरीके की कोई चीज़ हुई है तो उसको संज्ञान में लिया जाएगा और आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।